Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. आजादपुर सब्जी मंडी में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगा 2019 लोकसभा चुनाव में उसे ही वोट देना। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूर्ण राज्य बनते दिल्ली में रहने वालों को 10 साल में सबको घर दे दूंगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। पूर्ण राज्य के दर्जे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। मेरा सपना है दिल्ली के हर नागरिक का अपना मकान होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दिल्ली के हर नागरिक का अपना मकान होना चाहिए और ये हो सकता है। हम लोगों ने डीडीए किस लिए बनाई थी? डीडीए इसलिए बनाई थी कि डीडीए की जिम्मेदारी थी दिल्ली के हर गरीब को, हर मिडिल क्लास को, हर अमीर को अपना मकान देने। आज डीडीए केवल भ्रष्टाचारियों, बिल्डरों और माफियों का अड्डा बन के बैठी हुई है। केंद्र सरकार केवल पैसे कमाती है डीडीए वालों से, केंद्र सरकार के मंत्री केवल डीडीए वालों से पैसे खाते हैं। दोस्तों, जिस दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, उसके 10 साल के अंदर हर दिल्ली वाले को मैं पक्का मकान बना के दे दूंगा। इन चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना। जो मर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, अपनी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वोट देना। दोस्तों, अगर 700 सीट आम आदमी पार्टी की आ गई, आज मैं यहाँ पे इस मंच से कह के जा रहा हूँ, 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य ना बना दिया, मेरा नाम बदल देना। और जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, 10 साल के अंदर आपका एक एक आदमी का, दिल्ली के रहने वाले एक एक आदमी का पक्का मकान बना के देंगे। क्या आपने कभी सोचा हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा दिल्ली के अंदर इतनी समस्याएं क्यों है? ये सारी समस्या इसलिए क्योंकि आज दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। आज आप सरकार चुनते हो, मान लो आपके घर में किसी महिला के साथ गलत काम हो जाए, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर किसी महिला के साथ गलत काम हो जाए, आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस का थानेदार दरोगा आपकी कंप्लेन नहीं लिखता, आप किसके पास जाओगे? अपने एमएलए के पास जाओगे? अपने मंत्री के पास जाओगे? अपने मुख्यमंत्री के पास जाओगे? आपके मुख्यमंत्री और मंत्री के अंडर में पुलिस नहीं आती, पुलिस प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। किसी की हिम्मत है प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए? किसी की हिम्मत है अगर आपके घर में किसी के साथ गलत काम हो जाए और प्रधानमंत्री से जाके मिल लो, तो प्रधानमंत्री जी आप अपना काम करो, दिल्ली वालों को अपना काम करने दो, दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को दे दो, दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को दे दोगे, दिल्ली वाले अपना संभाल लेंगे। आज प्रधानमंत्री जी पूरी दिल्ली लेके बैठे हैं, अब उनसे मुक्त करानी है। पहले अंग्रेज बैठे थे, प्रधानमंत्री आगे बैठ गया। दोस्तों, इस बार 700 सीट आम आदमी पार्टी को देनी है। दूसरी पार्टियों, कोई कहता मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, कोई कहता मैं राहुल गांधी को बनाऊंगा। क्या मिल गया जी प्रधानमंत्री बना के? कुछ मिला पिछले 4 साल में? कुछ मिला हो तो फिर बना दो। कुछ मिला 5 साल में? मोदी जी ने कुछ दिया? राहुल गांधी कुछ देगा? इस बार प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना, आपकी अपनी पार्टी के 700 MP बनाना। और अगर आपने 700 MP बना दिया, 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे। लड़ लड़के इनकी नाक में दम कर देंगे। अगर LG के घर के अंदर घुस के LG से फाइल साइन करा के ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस के हम दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे। लाइक, शेयर एंड कमेंट. To subscribe this channel, please press the bell icon.